हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ एट वी लाइव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ स्टीफन हॉकिंग्स के सिस्टम के बारे में। आज स्टीफन हॉकिंग्स हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका जो सिस्टम था वो काफ़ी एडवांस था, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो काम कैसे करता था। तो सबसे पहली बात, वो सिस्टम डेवलप किया था 1997 में इंटेल के द्वारा, जिसमें उनकी व्हील चेयर के ऊपर एक टैबलेट लगा था। जो टैबलेट की को पावर मिलती थी, वो पावर मिलती थी उनकी व्हील चेयर के अंदर स्टोर्ड बैटरीज से। उन्हीं बैटरीज की वजह से वो टैबलेट चलता था। अब उस टैबलेट को वो कंट्रोल कैसे करते थे? उस टैबलेट के ऊपर एक वर्चुअल कीबोर्ड लगा था। उस कीबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए उन्हें बस अपने चीक के मूवमेंट, वो उनके गाल के मूवमेंट से चलता था। गाल जैसे जैसे मूव करता था, वो कीबोर्ड भी चलता था। अब उनके गाल को डिटेक्ट करता था उनके चश्मे पे लगी एक इंफ्रारेड डिटेक्टर, जो कि उनके गाल को मूवमेंट को देखती थी, और फिर जो कीबोर्ड पे जो लेटर्स थे उन पे सिलेक्ट वाला मूव कराते थे, और उसी की वजह से वो कहीं भी स्टॉप कराते थे और एक कैरेक्टर लिख जाता था। अब एक कैरेक्टर लिख दिया तो उन्हें पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उसमें लगा था वर्ड प्रिडिक्टर, जो कि वर्ड्स को प्रिडिक्ट कर देता था। अब उन्हें पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी और वो पूरा सेंटेंस आराम से लिख देते थे। अब सेंटेंस लिखने के बाद वो सेंटेंस जाता था स्पीच रिकॉग्नाइजेशन पे, जहाँ पे वो जाता था और बोल दिया जाता था, और यहाँ से जो वो अपने मन में बात कह रहे थे वो लोगों तक पहुँच जाती थी बड़े ही आराम से। अब इससे वो और क्या काम करते थे? वो इससे अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते थे, ईमेल चेक कर लेते थे, और इस प्रोग्राम का नाम था EZ कीज। तो यहाँ पे जो स्टीफन हॉकिंस के लिए जो इस्तेमाल किया गया था ये सिस्टम, उसे इंटेल और भी आगे बढ़ाना चाह रहा है और ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है। और भी जितने लोग हैं जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और भी उनके पास न जाने कितना ज़्यादा दिमाग होगा, वो कितने थॉट्स लेके चलते होंगे, लेकिन वो अपने थॉट्स किसी को बता नहीं पाते होंगे। तो इसके लिए इंटेल आगे ये सबको देने वाला है, जो कि प्रोसेस, जो कि पूरा सेटअप है, ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने थॉट्स को दुनिया को दे पाएँ, ताकि वो जो सोचते हैं वो लोगों तक पहुंच पाए और सबको पता चल पाए कि वो कहना क्या चाहते हैं। तभी तो ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग हमें मिले थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।